दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा, बहन शालू पुत्री राजकुमार बत्रा, गुरु हर कृष्ण नगर जिला लुधियाना से। परम पूजनीय हयूर पिताजी की अपार रहमत का वर्णन करती है। सन 1994 की बात है कि मैंने उस वर्ष 11वीं की परीक्षा देनी थी। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। मैं हर समय डेरा सच्चा सौदा के ग्रंथ ही पढ़ती रहती, कभी कभी नाम का सिमरन करने लग जाती। मेरी मम्मी जब मुझे ग्रंथ पढ़ते देखती तो वह गुस्से में कहती कि तू ग्रंथ भी चाहे पढ़ ले पर अपनी किताबों को भी पढ़ जिनकी परीक्षा देनी है, इस तरह तो तू फेल हो जाएगी। मम्मी के सामने किताब उठा लेती और ग्रंथ रख देती। जब मेरी परीक्षा हुई तो मुझे बहुत डर लगा कि मैं पास नहीं हो सकूंगी, क्योंकि मैंने पेपरों की तैयारी नहीं की थी। मैं सिमरन करके हर पेपर देती, जब नतीजा आया तो मैं सभी पेपरों में पास थी। मार्च 1995 में मैंने 11वीं कक्षा की परीक्षा दी। उस वर्ष भी मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं ग्रंथ ही पढ़ती रही। मेरे पढ़ाई ना करने पर मेरे पापा मम्मी तथा बहन मुझसे नाराज थे। परीक्षा होने के उपरांत वह हर रोज मुझे कहते कि इस बार बोर्ड की परीक्षा थी, अब तू पास नहीं हो सकेगी। मेरे मन में पूरा डर बैठ गया कि शायद उनकी बात सच्ची होगी, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी। अंत उसके बाद मैंने सिमरन करते समय अपने सतगुरु जी के चरणों में प्रार्थना भी कर दी कि हे दयालु जी, सतगुरु जी इस बार पास कर दो, आगे से मैं जरूर पढ़ा करूँगी। हजूर पिताजी ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिए तथा वचन फरमाया, बेटा तू फिक्र ना कर, तू 60% नंबरों से पास होगी। पूज्य पिताजी मुझे अपना पावन आशीर्वाद देते हुए अलोप हो गए। उस समय तो दर्शन पाकर मुझे बहुत खुशी हुई, पर बाद में मेरे मन ने प्रश्न खड़ा कर दिया कि पिताजी ने 100% पास क्यों नहीं कहा। मैं मन की बात में आ गई। मन ने मुझे दलील दी कि तू 5 में से 3 पेपरों में अर्थात 60% पास होगी, पर जब नतीजा आया तो पूरे 60% अंकों से पास थी। मैंने अपने परिवार में बताया कि पूज्य पिताजी ने जो कहा था वही हुआ है, पर मेरे मन ने मुझे गुमराह कर दिया था। पूज्य पिताजी की रहमत से 60% अंक के आधार पर मुझे जनरल नर्सिंग कोर्स में दाखिला मिल गया। अप्रैल 1997 का जिक्र है, मैंने जनरल नर्सिंग दूसरे वर्ष की परीक्षा देनी थी। मैंने पूरी तैयारी नहीं की थी, इस बार भी मुझे डर था कि कहीं असफल ना हो जाऊं। परीक्षा से कुछ दिन पहले मुझे हजूर पिताजी ने सपने में दर्शन दिए और एक रोटोमैक का पिन भी बताया। मैंने अपने मन ही मन में सोचा कि मैं रोटोमैक के पिन से ही पेपर करूंगी। जब मैं बिस्तर से उठी तो उस समय मेरे पास रोटोमैक का पेन नहीं था। मैंने अपने मन में निश्चित कर लिया कि मैं रोटोमैक का पेन खरीद कर उसे ही परीक्षा दूंगी। मेरी परीक्षा जलंधर में थी। जब मैं परीक्षा देने जलंधर में गई तो मुझे पेन खरीदना याद ना रहा। जब हमारी परीक्षा शुरू हुई तो मुझे याद आया कि मैंने तो पेन खरीदना था। इस बात का मुझे पश्चाताप हुआ। मेरे पास पूज्य हजूर पिताजी तथा पूज्य परम पिताजी का स्वरूप था। मैंने पर्स में से उन्हें निकालकर दर्शन किए तथा नारा लगाया। मेरे बेंच के पास ही खिड़की थी। मैंने अपने किट बैग के ऊपर स्वरूप रख लिया। सिमरन करते हुए पेन निकालने के लिए अपना किट बैग खोला तो उसमें वैसा ही रोटोमैक्स का पेन था जैसा कि पूज्य हजूर पिताजी ने मुझे
सपने में दिया था। मैंने उसी पेन से अपना सारा पेपर किया और पेपर देकर बाहर आ गई। अपने कमरे में आकर जब मैंने वही पेन देखने के लिए किट बैग खोला तो उसमें वह पेन नहीं था। प्यारे सतगुरु जी ने मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए ही वह पेन मुझे पेपर करने के लिए दिया था। सतगुरु जी की दया मेरे से ही मैंने परीक्षाओं में अच्छे अंक से सफलता प्राप्त की तथा नर्स बन गई हूँ। सतगुरु के उपकारों का बदला कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।